मेरे घर में शादी थी एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द लहंगाज ऑन द इंटरनेट एंड आई सॉ दिस लहंगा। मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था जो कि बहुत फॉर्मल हो, बहुत हैवी लुक दे बट फ्लैशी ना हो, क्लासी दिखे। सो दिस वाज द राइट चॉइस। लेकिन ये 1 लाख से ऊपर का लहंगा था जो कि ऑब्वियसली मेरे बजट से बाहर था। सो आई डिसाइडेड टू गेट दिस स्टिच्ड और मैं पहुंच गई सीधा कपड़ों की खान चांदनी चौक मार्केट में। वहां पर मैं गई एशियन फैब्रिक्स पे जहां से मुझे ये फैब्रिक मिला। इट वॉज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट काफी सिमिलर था तो मुझे पसंद आ गया। दिस फैब्रिक वॉज फॉर 1250 रुपीज पर मीटर। अब मुझे बहुत ज्यादा घेर वाला लहंगा चाहिए था, मुझे 10 मीटर के लहंगे पसंद है बट अगर मैं इस फैब्रिक से 10 मीटर का लहंगा बनवाती तो वो बहुत महंगा हो जाता, 12,500 का तो सिर्फ कपड़ा हो जाता। सो आई डिसाइडेड टू गो विथ 5 मीटर का लहंगा। तो मैंने लिया ये 5 मीटर का कपड़ा लहंगे के लिए, 1 मीटर का कपड़ा ब्लाउज के लिए एंड 5 मीटर ही मैंने इसकी लाइनिंग के लिए लिया एंड 2 मीटर मैंने सेम कलर की जॉर्जेट ली फॉर दुपट्टा। तो 5 मीटर में भी ठीक ठाक एक सर्कल वाला घेरा आ जाता, लेकिन मुझे और घेरा चाहिए था तो मैंने अलग से ये कैन कैन की स्कर्ट बनवाई जो कि मैंने इस लहंगे के नीचे पहनी और मैं इसको अपने बहुत सारे अलग अलग लहंगों के साथ पहन सकती हूँ। ये भी मैंने फोल्ड करके रखी हुई है। इस तरह की कैन कैन की स्कर्ट है जिसमें डबल कैन कैन लगा हुआ है, एक यहाँ नी लेंथ तक लगा है और एक ऊपर थाई लेंथ तक लगा है। तो लहंगे का जो घेर है वो बहुत अच्छा एकदम जैसा मुझे चाहिए वैसा ही आ जाता है और ये 1 लाख रुपए वाला लहंगा मेरा सेल गया 11,000 से 12,000 रुपए के अंदर एंड इट लुक्ड अमेजिंग। मुझे बहुत पसंद आया और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिली। सो या पैसा वसूल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें एंड फॉलो करें फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। बाय।